बिहार में क्या होने वाला है? लालू यादव संग फिर हुई सीएम नीतीश की मुलाकात तो उठने लगे कई सवाल, क्योंकि ये हफ्ते में दूसरी मुलाकात है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की फिर मुलाकात हुई है। सोमवार से अब तक लालू नीतीश की ये लगातार दूसरी मुलाकात है, जिसके बाद सवाल उठने लगे आखिर सूबे की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव गुरुवार को राबड़ी आवास से एकड़े मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसे लेकर चर्चा का दौर तेज है। दोनों दिग्गजों की इस मीटिंग से सियासी सरगर्मियां तेज है। आखिर उनके बीच किस मुद्दे पर बात हुई, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल नीतीश कुमार की जिस तरह से हाल के दिनों में एनडीए संग करीबी के संकेत दिखे, उसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। हालांकि सीएम नीतीश ने खुद ही एनडीए में वापसी के कयासों का खारिज किया। इसी बीच नीतीश कुमार लालू यादव की पटना सीएम आवास में मीटिंग हुई। करीब 20 मिनट तक दोनों सियासी दिग्गजों के बीच बातचीत हुई। ऐसी चर्चा चल रही है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर उनके बीच बात हुई है। हालांकि सियासी जानकार इससे इनकार कर रहे हैं। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। उनका कहना है कि सूबे में सियासी हालात को लेकर ये मीटिंग हुई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश लालू मिले हैं। इससे पहले सोमवार को भी नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद लालू यादव से मुलाकात की थी। इससे ठीक एक दिन पहले भी नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। हालांकि तब लालू यादव वहां नहीं थे, वो नालंदा में तेज प्रताप के साथ पहुंचे थे। इस वजह से नीतीश कुमार ने उस समय राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर 10 मिनट में वापस हो गए थे। हालांकि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार जिस तरह से राबड़ी आवास पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की, उसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। अब लालू यादव खुद सीएम नीतीश से मिलने पहुंच गए। इन मुलाकातों को सामान्य तो नहीं ही कहा जा सकता है। हालांकि अब तक जदयू आरजेडी की ओर से भी दोनों दिग्गजों के बीच बैठक को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में चर्चा का दौर तेज है कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है।